नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास के जो जो टॉपिक थे, जिसमें से अपने दो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे टॉपिक के दोस्तों एक भाग है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो तीसरे टॉपिक का नाम है दोस्तों भक्ति आंदोलन एवं सांस्कृतिक समन्वय। ठीक है, ये अपना तीसरा नंबर का टॉपिक था जिसका एक भाग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज इसका सेकंड नंबर का भाग है। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 31 नंबर प्रश्न। ठीक है, कल थोड़ी इसमें नंबरिंग में मिस्टेक हो गई थी, कल भी 31 से थी लेकिन दोस्तों वो भाग एक था। ठीक है, तो आज इसका ये भाग सेकेंड है। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी। ठीक है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था और वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। ठीक है, जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया और उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उसे मार दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दिलीप सिंह। कौन है? दिलीप सिंह था दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। दोस्तों पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे 1849। ठीक है, 1849 ईस्वी में द्वितीय ओंगल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो मुख्य साम्य दोस्तों इसमें कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से प्रथम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर संसार दुखपूर्ण है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता है जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, तो वो कौन थे? तो रामानंद। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे रामसा पीर, ठीक है, और मुसलमानों में भी दोस्तों पीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोगा पीर, ठीक है, तो ये क्या है? पीर शब्द से क्या आशय है यहाँ पे? तो दोस्तों पीर शब्द से आशय है सूफियों का गुरु। ठीक है, सूफियों का गुरु, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। ठीक है, गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने तो दोस्तों उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो है एक नंबर का ऑप्शन इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके, इसी कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास भी हुआ था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो दोस्तों किसने लोकप्रिय बनाया काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर देख लिया करो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, मन में सोच लिया करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकर देव ने दोस्तों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों कामरूप है ये असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इस किसने किया, तो शंकर देव ने किया था, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन है वो शंकर देव द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे शंकरदेव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो दोस्तों रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विशेषता द्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य। दोस्तों वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे, इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, उनका मत विशेषता द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है ब्रह्म अथवा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हैं। ठीक है, अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 41 नंबर प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, तो वल्लभाचार्य ने किया। दोस्तों किसने किया, वल्लभाचार्य ने। दोस्तों श्री वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत के अनुसरण मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने में एक साधन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है वह है, तो वह दोस्तों क्या है, इसमें चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की, ये संगीत को महत्व देते थे, इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, तो दोस्तों किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे ये अपने को दोस्तों इसमें बताना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कूट भाषा में दोस्तों अपने को इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान साधना और श्वास नियमन बिल्कुल सही है। ठीक है, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम ये भी बिल्कुल सही है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसने, रामानंद ने। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है, तो दोस्तों देखो दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। ठीक है, ये 3 दिए गए हैं संत। अब देखो इसमें इनमें से कौन से उस समय उपदेश देता था या देते थे तब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 1526 के आसपास की बात है। ठीक है, 1520 से लेके 1526 के आसपास की बात है। ठीक है, तो उस समय इनमें से कौन से संत थे जो उपदेश देते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गुरु नानक। उस टाइम दोस्तों गुरु नानक ही थे, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो गुरु नानक का जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ था। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में परास्त किया था जब नानक सिख धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर यात्रा कर रहे थे। उस समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की मुलाकात गुरु नानक देव से इसी यात्रा के दौरान हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन दिए गए हैं, अपने को विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। संत दादू दयाल का दोस्तों उपदेशों का एक संकलन नहीं है, ये दोस्तों किसका है? तो दोस्तों ये है कबीर का। ठीक है, किसका? कबीर दास जी के उपदेशों का एक संकलन है बीजक। यहाँ पे दादू दयाल दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पुष्टि मार्ग के दर्शन को दोस्तों वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, यहाँ पे माधवाचार्य दे रखा है। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वल्लभाचार्य। तो ये दोनों ही कथन है वो गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही था ये अपने को इसमें बताना है। तो न तो एक और न ही दो, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने, आप में से अगर किसी ने आराध्या आर्यस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 4। ठीक है, और चारों में से उत्तर बताना है कि कौन एक सुमेलित है। तो देखो इसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द्वैतवाद माध्वाचार्य। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें माध्वाचार्य है ये। ठीक है, ये एकमात्र इसमें सही सुमेलित है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अद्वैतवाद में यहाँ पे रामानुजम दे रखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य आएगा इसमें। विशिष्टता द्वैतवाद यहाँ पे दोस्तों शंकराचार्य दे रखा है लेकिन यहाँ पे आएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। ठीक है, और यहाँ पे देखो द्वैतवाद वल्लभाचार्य दे रखा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? निम्बार्काचार्य आएगा। ठीक है, निम्बार्काचार्य आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 3 नंबर का ऑप्शन जिसमें बिल्कुल सही सुमेलित है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखो बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न है वो थोड़े से वापस रिपीट हो गए। ठीक है, ये वाला प्रश्न दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, ये वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिख
गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों तीन कथन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो अपने को बताना है। पहले कथन देख लेते हैं। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त नहीं किया था, किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसको? बंदा बहादुर को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त बंदा बहादुर को। तो यहाँ पे तेग बहादुर दे रखा है, तो इसका मतलब अपना एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, बिल्कुल सही है दोस्तों, गुरु रामदास के पश्चात गुरु अर्जुन देव आए थे, ठीक है। तीसरा देखो, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है, तो दो और तीन सही है, पहला कथन अपना इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो दोस्तों भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो ये समकालीन थे दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। तुकाराम थे दोस्तों 1608 से लेके 1650 तक, ठीक है। तो देखो मराठा भक्त संत तथा कृष्ण के अनुयायी थे ये, कौन? तुकाराम। ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे, जहांगीर और शाहजहां के, ठीक है। शाहजहां ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों अपने को इसमें जहांगीर कर देना है, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नागार्जुन, ठीक है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन भक्ति काल के पहले के दार्शनिक माने जाते हैं, ये माध्यमिका दर्शन के प्रणेता हैं, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, वो थे रामानंद, ठीक है। रामानंद ही एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जो संदेश है वो हिंदी में दिए थे, ठीक है, और दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जो भक्ति आंदोलन लेके आए थे वो यही लेके आए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 नंबर प्रश्न है, कबीर शिष्य थे। तो दोस्तों कबीर है वो किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, ठीक है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामानंद का जन्म है, ठीक है। रामानंद का जो जन्म है वो दोस्तों प्रयाग में हुआ था, ठीक है। देखो रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है। तो दोस्तों बीजक का रचयिता मैंने भी आपको एक प्रश्न में आया भी था, ठीक है, जो वहाँ पे कोट भाषा में दे रखे थे, ठीक है। तो दोस्तों बीजक के रचयिता कबीर दास जी थे, ठीक है, ये दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, अमरमूल। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मलुकदास एक संत कवि थे। तो दोस्तों मलुकदास एक संत कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मलुकदास एक संत कवि थे दोस्तों कड़ाके, किसके, कड़ाके। दोस्तों देखो 1631 में संत मूलकदास का जन्म
लाला दास खत्री के घर में कड़ा यानी कि वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों कड़ा है वो एक जगह का नाम है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो दोस्तों संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महुंग, ठीक है, महंगू, महंगू, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों इसमें देखो, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये दोस्तों इनका कालक्रम है वो बिल्कुल सही है। शंकराचार्य का काल है दोस्तों इसमें 788 से 820 तक, ठीक है, ईस्वी तक, ठीक है। रामानुज का काल था दोस्तों 1017, ठीक है, 1017 से 1137 तक, ठीक है। और चैतन्य का जो काल था वो दोस्तों 1486 से लेके 1536 तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो दोस्तों इसमें देखो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, ठीक है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसका दूसरा भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी भी आराध्य आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।